हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे, दोबारा जीतने का मौका हमें मिला। तो गंगा का जिक्र किया जा रहा है चुनाव को लेकर के, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते, यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना। खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे, और क्या परिणाम है वो आप सबके सामने। हमारा मुद्दा है, मैंने पूछा है कि अभी तक गन्ने का भाव क्यों नहीं घोषित, जो किसान के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर। गौरव की माँ भी चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? उनका फैसला है, इसमें कोई रोक नहीं होती, क्यों चुनाव लड़ा जाए, नहीं लड़ा जाए, कौन लड़ सकता है, ये तो आखिरकार जनता ही मानक तय करेगी। जवाब मैं क्या दूँ, ये तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि जैसा भोगे वैसा पाओगे। ये हमारा जो भी आदमी होता है उसकी क्या कहूँ कि विधायक की भी मजबूरी होता है जनता के बीच रहना, क्योंकि हमारे मूल वर्कर गाँव में ही है, तो हमारा वर्कर बहुत डिमांडिंग है, उसको सेटिस्फाई रखना सबके बस की बात नहीं है। चंदन का देख लो, वजन घट गया।